नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे म्यूचुअल फंड से आप एक बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बात करें म्यूचुअल फंड क्या है, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल का काम करती है और ये एक ऐसी गाड़ी है जो आपके इन्वेस्टमेंट के द्वारा आपके वेल्थ को क्रिएट करता है। म्यूचुअल फंड में जनरली जो हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड जनरली स्टॉक, बॉन्ड और अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड के द्वारा कोई भी स्मॉल इन्वेस्टर, कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपना एक डाइवर्सिफाइड और प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकता है, वो भी एकदम लोअर कॉस्ट पर, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट होता है म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा काफी कम लिया जाता है और एक प्रोफेशनल टीम होता है जो कि आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। तो देखिए, यहाँ पर म्यूचुअल फंड का जो साइकिल है कुछ इस तरह से, ये हम और आप इन्वेस्टर हैं, तो हम और आप इन्वेस्टर यहाँ पर क्या करते हैं, अपना फंड म्यूचुअल फंड हाउस को देते हैं। ये म्यूचुअल फंड हाउस है जिसे हम AMC बोलते हैं। कई सारे वेल नोन AMC है, जैसे HDFC AMC हो गया आपका, निपोन इंडिया एसेट मैनेजमेंट हो गया, इस तरह के कई सारे बेहतरीन AMC कंपनियां हैं जिसे हम अपना फंड देते हैं। और ये म्यूचुअल फंड कंपनियां क्या करती है, एक फंड मैनेजर को हायर करती है, अपने एक फंड मैनेजर को रखती है जो कि काफी एक्सपर्ट होते हैं इस इंडस्ट्री में। और हम और आप जो छोटे इन्वेस्टर हैं, स्मॉल इन्वेस्टर हैं, अपना जो हार्ड अर्न्ड मनी होता है, जो कि हम काफी मेहनत से कमाए हुए रुपया होते हैं, वो मनी हम इन म्यूचुअल फंड हाउस को देते हैं। और ये म्यूचुअल फंड हाउस फंड मैनेजर की मदद से डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है और यहाँ से रिटर्न जनरेट करता है, और रिटर्न जनरेट करने के बाद वापस फिर से इन्वेस्टर को दे देता है। तो यहाँ पर जो रिटर्न जनरेट करके इन्वेस्टर को वापस देती है, इसके बदले कुछ यहाँ पर कमीशन चार्ज करती है एनुअल फी के रूप में ये म्यूचुअल फंड हाउस, जिस कमीशन की मदद से ये फंड मैनेजर को पेमेंट करता है। और जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो अपना ऑफिस का रेंट पे करती है, साथ साथ जिस कमीशन की मदद से ये अपना मेंटेनेंस करता है। अगर बात करें हम म्यूचुअल फंड से हाउ मच रिटर्न कैन बी जनरेट, क्योंकि हम डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या ETF में इन्वेस्ट करें, हमें तो रिटर्न से मतलब है कि तो हम कितना रिटर्न म्यूचुअल फंड से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में हम दो तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, एक होता है हमारा SIP इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है लमसम इन्वेस्टमेंट। अगर हम SIP कर लें मात्र 50,000 का, और अगर हम उस पर 20% का ही मात्र एवरेज रूप से रिटर्न प्राप्त कर लेते हैं, तो 10 ईयर्स में हमारा उस पर जो रिटर्न मिलेगा 2,59,000 का, और टोटल जो हमारा अमाउंट हो जाएगा 50,000 का, वो हो जाएगा 3,09,000। और इसी को अगर हम 10 ईयर से 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं मात्र 50,000 को, तो हमारा जो टोटल यहां पर रिटर्न होगा 18,66,000 का, और टोटल जो हमारा अमाउंट हो जाएगा 19,16,000 का। और अगर इसी को हम अगले 10 साल के लिए, मतलब टोटल 30 ईयर्स के लिए छोड़ दें मात्र 50,000 के इन्वेस्टमेंट को, और हमें सिर्फ 20% का उस पर रिटर्न प्राप्त हो, तो हमारा जो यहाँ पर रिटर्न होगा 1,18,00,000, और हमारा टोटल जो अमाउंट यहाँ हो गया 1,18,68,000। देखिए, मात्र 50,000 से आप लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में आप करोड़पति बन सकते हैं। तो इतना पोटेंशियल है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में। अब यहाँ पर बात करें हम SIP इन्वेस्टमेंट का, तो SIP हम यहाँ पर ले लेते हैं मात्र 5,000 का, पर मंथ आप 5,000 इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो रिटर्न मिलेगा आपको एवरेज रूप से मान लेते हैं 16% 15% के आसपास का रिटर्न मिलता है, क्योंकि आपको 20% नहीं मिलेगा SIP में, क्योंकि आपका जो हर लेवल पे इन्वेस्टमेंट होगा, तो हाइयर प्राइस पे भी होगा, लोअर प्राइस पे भी होगा। और अगले 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम लाते हैं 10 ईयर्स के लिए, तो 5,000 का SIP, और एवरेज रूप से हम यहाँ पर 15% का रिटर्न लेंगे। तो 15% के रिटर्न से अगर आप 10 ईयर्स में बात करें SIP पे, तो 10 ईयर्स में आप कुल 6,00,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे। पहले तो देखिए, मात्र 50,000 का हम इन्वेस्टमेंट किए थे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपका हो चुका है 6,00,000 का, तो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ रिटर्न मिल रहा है आपको 7,93,000 का, तो काफी कम रिटर्न है देख सकते हैं SIP में। और टोटल जो यहाँ पर आपका मतलब अमाउंट हो गया वो 13,93,000 का हो गया, तो लगभग 14,00,000 का यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट आ गया। अगर इसी को आप अगले 20 इयर्स के लिए कंटिन्यू रख लेते हैं, जब आप 20 इयर्स के लिए कंटिन्यू रखेंगे, तो यहाँ पर आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 12,00,000 का होगा, रिटर्न होगा 63,79,000 का होगा, और टोटल जो यहाँ पर अमाउंट आपका हो गया 75,79,000 का।
और अगर इसी को आप अगले 30 इयर्स के लिए, मतलब जब आप 30 इयर्स के लिए इसको इन्वेस्ट करते रहेंगे 5000 पर मंथ, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये हो जाएगा 18 लाख का, और वहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था मात्र 50,000 और रिटर्न हुआ था 1 करोड़ से एवक का, और यहां पर जो रिटर्न मिलेगा 3 करोड़ 32 लाख, और टोटल जो अमाउंट हो गया आपका यहाँ पर देख सकते हैं 3 करोड़ 50 लाख का, लेकिन यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा है। तो इस तरह से आप करोड़पति तो बन सकते हैं म्यूचुअल फंड से, लेकिन अगर आप लमसम करते हैं तो लमसम में आपको काफी बेहतरीन रिटर्न मिलता है। SIP करते हैं उस पर भी रिटर्न मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कम रिटर्न मिलेगा, उसमें अमाउंट आपका काफी ज्यादा इन्वेस्ट होगा। यही होता है म्यूचुअल फंड में, अगर हम SIP करते हैं तो हमें काफी ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ती है वहां से वेल्थ क्रिएट करने में, लेकिन इसमें भी अगर आप लमसम करते हैं अच्छे लेवल पर जब मार्केट में गिरावट होती है तो यहां से आप अच्छा खासा अपना वेल्थ लॉन्ग टर्म में जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के जो प्रोज और कॉन्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम म्यूचुअल फंड बाय करते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर जो है एक पार्शियल ओनरशिप बाय करता है किसी भी कंपनी का और उसके एसेट का, जैसे कि MC कंपनियां हैं तो हम MC कंपनियों के एक पार्ट को हम बाय कर लेते हैं, और जैसे जैसे उस कंपनी के एसेट इंक्रीज होता है, मतलब जैसे वो म्यूचुअल फंड से रिटर्न जनरेट करता है वैसे उस कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो इंक्रीज होता है, तो हमारा जो पार्ट है उसका भी उसी रेशियो में इंक्रीजमेंट होता है। तो हम जो अपना पार्ट बाय करके रखते हैं, जो भाग बाय करके खरीद के रखते हैं, वो भी उसी रेशियो में बढ़ता है। तो इस तरह से हमें म्यूचुअल फंड पे रिटर्न अच्छा खासा जनरेट होता है। तो इसमें कुछ प्रोज भी हैं और कुछ कॉन्स भी हैं। तो प्रोज क्या है, इसमें हमें अच्छा खासा लिक्विडिटी मिल जाता है, हम जब चाहें अपने म्यूचुअल फंड को बेच करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरा प्रोज है कि डाइवर्सिफिकेशन, यहाँ पर हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कुछ इक्विटी में दे सकते हैं, कुछ डेट में दे सकते हैं, यहाँ की आप इक्विटी में भी लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इस तरह से कुल 5000 से अधिक फंड मौजूद हैं जिसमें आप अपना डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। फिर है मिनिमल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होता है, मतलब आपके पास डीमैट अकाउंट का भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप किसी भी फंड हाउस की मदद से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम मिल जाता है, और यहाँ पर जो है आपको वैरायटी ऑफ ऑफरिंग, मतलब 5000 से अधिक म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब आप अपने अनुसार वहाँ पर म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जिनके फी काफ़ी हाई होते हैं, कमीशन काफ़ी हाई होती है और अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड होने के कारण आपको थोड़ा सा वहाँ पर म्यूचुअल फंड को चूज करने में डिफिकल्टी होती है। अब देखिए लार्ज कैश प्रेजेंस इन पोर्टफोलियो, बहुत ज़्यादा कैश होना चाहिए तभी आप अच्छा खासा वहाँ पर वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न होता है वो काफ़ी कम होता है, आपको जैसे 15% ज़्यादा से ज़्यादा 20% का रिटर्न मिल सकता है। अब कहते हैं डिफिकल्टी इन कंपेयरिंग फंड्स, यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा फंड हैं, काफ़ी ज़्यादा 1000 टॉप फंड्स हैं, तो हजारों फंड होने के कारण डिफिकल्टी होती है कंपेयर करने में। फिर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन होल्डिंग, जो होल्डिंग में स्टॉक रखते हैं म्यूचुअल फंड उसमें ट्रांसपेरेंसी में काफ़ी कमी देखा गया है। तो ये सारे प्रोज और कॉन्स हैं, तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड हम चूज कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम म्यूचुअल फंड को चूज करना सीखेंगे, कैसे आप बेस्ट से बेस्ट म्यूचुअल फंड खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार है तो इसी तरह के एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।